राइट, तो आप सभी को लगता रहेगा अलीबाग आया और बीच नहीं आया भाई। भाई ये पत्थर को पत्थर मत समझिए, हाँ। ये है हमारे श्री कृष्ण जी। तो अभी हम एंटर करते हैं हमारे रूम के अंदर। अंदर एंटर करते ही यहाँ पर डबल बेड है। तो लास्ट ब्लॉग में हमने 140 किलोमीटर का रोड ट्रिप किया और हम पहुंचे अलीबाग के आगे एक खूबसूरत गांव उसरोली विलेज में, जहां पर हमने भाई एक छोटी सी ट्रैकिंग भी की और भाई रास्ते में लोगों से लिफ्ट भी ली, गांव में काफी सारे लोगों से इंटरेक्शन की और एक भाई ने तो अपनी नारियल की वाड़ी देखने के लिए इनवाइट किया। मतलब कबीला है हमारा। अच्छा ओके, और बकरियां भी है। अच्छा ओके, तो देखने मिल सकती है क्या अभी? तो चले भाई गाय भैंस भी देखते हैं। गाय भैंस नहीं, भैंस और बकरी ना। हाँ भैंस और बकरी देखते हैं। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो भाई ये देख लो भाई खूबसूरत नारियल के सारे पेड़। गोवा भी मत जाओ भाई, इधर ही आओ। छोटी छोटी बकरियां हैं यहाँ पर और यहाँ पर भाई यूज भैंसे, दो भैंस है, भैंसे ही है ना। अच्छा और यहाँ पर भाई एक हल गाय है। भैया जी दिखाओ, ये देखो क्या मस्त लग रहा है भाई। सब लोग को भाई, हम लोग विजिटर है भाई, हम लोग जा रहे हैं हम लोग इनके लिए विजिटर्स है, इनके घर में हम आए। थैंक यू मोलिम जी हमें नारियल के पेड़ की खेती दिखाने के लिए और गाय भैंसों से मिलाने के लिए। ये शायद हम सिटी में नहीं देख पाते, आपने हमें दिखाया है, थैंक यू सो मच। और बाकी के भाइयों को भी थैंक यू, और उधर दूसरे भाई है, थैंक यू सो मच। तो चलो अभी कुछ पेट पूजा के लिए ढूंढे इस गांव में। गांव में मुझे एक फैमिली ने अपने फैमिली फंक्शन में मुझे लंच पर इनवाइट किया। उसरोली गांव के नाके के जस्ट पास में एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा ब्रिज है भाई। यहां पर देखो गाय भी यहां पर चिल कर रही है और ये काफी क्यूट सा ब्रिज है। सीनिक रूट दिख रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से तालाब चल रहा है और वहाँ पर देखो सुंदर कोकोनट्स की वाड़ी है, सारी खेती की हुई है, बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज है। केरला के वाइब्स दे रहा है यहाँ पर, कोकोनट ट्री, यहाँ पे फ्लोइंग वाटर और हरियाली हरियाली और ये क्यूट सा ब्रिज और ये सुंदर सा विजिटर और भी बहुत सारी वहाँ पर रिलैक्स कर रही है। दूर दूर तक देखो भाई ग्रीनरी ग्रीनरी। और वो रहा गाँव का एंट्रेंस, क्या जोरदार जगह है भाई। फिलहाल देखिए जहां मैं खड़ा हूं वहां से जंजीरा किला मात्र 15 किलोमीटर दूर है, पर जैसे कि मैंने कहा कि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है तो यहां से हम 2 बजे फिर से निकलेंगे हमारे घर की तरफ। ऑलराइट, तो आप सभी को लगता रहेगा अलीबाग आया और बीच नहीं आया भाई, ब्लॉग में मज़ा नहीं आया। तो अभी हम आपके फरमाइश पे आ गए हैं बीच पे। क्या ज़बरदस्त बीच है, लहरें मस्त एकदम, हवा एकदम ज़बरदस्त चल रही है भाई। तो चलो बीच पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये रहा हमारा काशीन बीच, देखो चारों तरफ लहरें ही लहरें। अभी लो टाइड है इसलिए थोड़ा पानी थोड़ा फ्लो कम है, नहीं तो ये देख रहे हो आप सामने वहां तक उसकी लहरें जाती है। और ये देखो सामने हमारी द ह्यूज काशीन बीच, दूर दूर तक देख रहे हो कोई गर्दी नहीं कोई नहीं, ये पूरा बीच है हमारे लिए रिजर्व्ड। काशीन बीच इज फेमस फॉर इट्स क्लियर ब्लू वाटर एंड द लवली व्हाइट कलर सैंड which is a scenic made of dreams. The Kashid Beach is quite place to enjoy. Located about 30 km away from the stunning Alibag, Kashid Beach is a perfect place to enjoy. देख रहे हो दूर दूर तक बीच पर कोई नहीं है भाई, पूरा बीच खाली है हमारे लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के कुछ 2। Kashid is one of the cleanest beach in North Konkan. The beach is stretch across 3 km and is surrounded by trees. One can spend their quality time with their family and their loved ones. ये proper beach और वहाँ पर वो देख रहे हो क्या मस्त दिख रहा है, island जैसा लग रहा है, बाली जैसा feel आ रहा है पूरा इस पे। काफी peaceful place है, काफी मजा आ रहा है, सिर्फ लहरों की आवाज और मैं।
और आप। वहाँ पर आइलैंड जैसा दिख रहा है और यहाँ पर होटल्स भी है जहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नारियल के पेड़ भी लगे। पूरे अलीबाग में आपको नारियल के पेड़ बहुत सारे दिखेंगे। अभी अंकल हमें मिले हैं और ये स्टोन किस लिए लिए है आपने? ये स्टोन का यूटिलिटी है, हमारे जो तुलसी है दरवाजे के सामने कुंडी में लगाया है, उनको उनके बाजू में इसे रखा जाएगा। ओके। और ये पत्थर को पत्थर मत समझिए, ये है हमारे श्री कृष्ण जी। ओके। और तुलसी को रुंदा कहा जाता है और इनको कृष्ण कहा जाता है। क्या बात है, आज तक तो हम सिर्फ इसे पत्थर ही समझते थे पर आज इसका इम्पोर्टेंस हमें ये सर के थ्रू पता चला। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो काशिन बीच के ठीक सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 से 2 मिनट ही लगेगा, आप पहुंचते हैं यहाँ पर मनन गेस्ट हाउस। तो यहाँ पर हमने हॉल्ट लिया है अभी कुछ टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए, बट काफ़ी खूबसूरत गेस्ट हाउस है। यहाँ पे देखो काफ़ी डेकोरेटिव वॉकिंग है। यहाँ पर ऊपर की तरफ 4 रूम्स है और चारों रूम में एसी है और टीवी भी है और गीज़र की फैसिलिटी भी है। कोशिश करेंगे कोई एक रूम बताने के लिए। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पार्किंग एरिया है। अभी बारिश वगैरह है तो थोड़ा ग्रास वगैरह उग गया है पर ये सब कटिंग वटिंग हो जाएगा। और वहाँ पर है कोकोनट ट्री का वाड़ी, बहुत सारे कोकोनट ट्री है और बच्चों के लिए खेलने के लिए एरिया भी है वहाँ पर। इस गेस्ट हाउस को बुक आप ऑनलाइन भी कर सकते हो मेक माई ट्रिप से या yatra.com से, या फिर डायरेक्टली इनको कॉन्टेक्ट करके भी कर सकते हो। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और चलिए आपको एक रूम टूर दे देता हूँ कैसा दिखता है यहाँ का रूम। हमने ये स्टेयर से यहाँ से ऊपर आए और यहाँ पर देखो बहुत ही खूबसूरत सामने भी एक नारियल के झाड़ की वाड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। और यहाँ पर एक बावड़ी भी है। और ये रहे हमारे सारे रूम्स, मस्त है। यहाँ पर पूरा कॉरिडोर भी दिया है, टेबल्स भी दिए, चेयर्स भी रखेंगे और बाहर बैठ के भी एंजॉय कर सकते हो। एक रूम दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट, तो अभी हम हैं हमारे एक रूम के बाहर और यहाँ पर वाईफाई सर्विस भी अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्ज अगर आप यहाँ पर रूम लेते हो। तो अभी हम एंटर करते हैं हमारे रूम के अंदर। अंदर एंटर करते ही यहाँ पर डबल बेड है, 2 चेयर्स दिए हैं, यहाँ पर एसी है, यहाँ पे टीवी है और यहाँ पर मिरर है जहाँ पर आपका भाई है। और क्लीन वॉशरूम्स भी है। वॉशरूम्स देखो कुछ इस तरह से काफ़ी बड़े दिखते हैं वॉशरूम्स और नीट एंड टाइडी है। मेरे हिसाब से तो 10/10 है, रूम काफ़ी अच्छा है, बाहर का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप काशिद बीच के पास में आते हो तो डेफिनेटली ये गेस्ट हाउस में आना आपका बनता है। इसका डिटेल्स फिर एक बार मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट करके इनसे बुक कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो प्राइजेस के बारे में। समय के अभाव के कारण बस कुछ ही प्लेस कवर कर रहे हैं आज के ब्लॉग में। हम अलीबाग आराम से अलग से आएंगे क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो काफ़ी सारे बीचेस पे भाई जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे पुलिस की नाकाबंदी है। तो फुर्सत में हम बारिश के बाद विंटर्स में आएंगे अलीबाग। आज के हमारे ट्रिप में हमारे साथ ये सभी हमारे मित्र थे साथ में। हाय हाय, इनके कंपनी में हमने आज का पूरा ब्लॉग शूट किया है और काफ़ी सपोर्टिव थे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये आज का ब्लॉग, खास कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ अलग किया है, कुछ यूनिक किया है, तो आपको पसंद आया कि नहीं खास कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल का अगर हिस्सा अभी तक नहीं बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।